दोस्तों, अगर आपके पास भी मोटो वन एस 5G है एंड इसको हमने करना है आज FRP बाईपास, अभी तक की सबसे आसान और सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको, तो आपने मेरे मेथड को फॉलो करना है। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको स्किप करेंगे। मेरे पास वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपने भी यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न या आपका पिन कोड या जीमेल जो भी है वो ये मांगेगा, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमने मेन इंटरफेस पे आना है, यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। ऑन करेंगे, फिर से दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, स्वाइप करेंगे ऐसे, डबल टैप, ओपन गूगल असिस्टेंट, ओपन सेटिंग्स। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने सेटिंग्स में आना है। अब दोनों बटन दबा के दोबारा से हमें इसका टॉकबैक ऑफ कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों, आपने सबसे नीचे आना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे शॉर्टकट इसको हमने अलाउ कर देना है। जाना है एप्स में, ऑल एप्स, एंड्रॉइड ऑटो, इसको दोस्तों हमने यहाँ डिसेबल कर देना है। एंड्रॉइड सेटअप फोर्स स्टॉप कर देना है इसको, एंड नीचे आना है दोस्तों गूगल प्ले सर्विस पे। हमने गूगल प्ले सर्विस को यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब करना क्या है दोस्तों, आपने सिंपल फोन को करना है रीस्टार्ट। दोस्तों फोन हमारा ऑन हो गया है, फिर से हमें स्टार्ट करना है। वाईफाई हमारा कनेक्ट है, देखें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इसी तरह लोडिंग होती रहेगी, ये फोन आपका आगे नहीं बढ़ेगा, इसी तरह लोडिंग होती रहेगी। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे आके दोस्तों आपने टू फिंगर ऊपर की तरफ स्वाइप करनी है, असेसमेंट में आना है, सेटिंग्स में इसको इनेबल कर देना है, प्ले सर्विस को वापस आना है, एंड यहाँ से दोस्तों स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, हमें यहाँ से स्किप कर देना है इसको। तो देखिए दोस्तों, फ़ोन हमारा जो है बाईपास हो गया है बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।